एपिसोड की स्टार्टिंग स्योंगहू से होती है जो अपना बचपन याद करके हंस रही है कि कैसे जब उसका दांत टूटा था तो स्योंगहू रोने लगा था और स्योंगहू ने पहली बार बिना स्टॉपर्स के साइकिल चलाना भी खुद सीखा था क्योंकि कुछ लड़के उसे डमी कहकर चिढ़ा रहे थे। और जब स्योंगहू पहली बार घर से भागी थी तब भी स्योंगहू उसके साथ ही था। पहली बार स्योंगहू के दिल टूटने पर भी स्योंगहू ने उसके लिए तालियां बजाई थी। स्योंगहू की मॉम ने आज स्योंगहू की ताई हुई से लाई 100 साल पुरानी सोया सॉस से खाना बनाया और वो स्योंगहू को कुछ साइड डिशेस स्योंगहू के घर देकर आने को बोलती है। तो स्योंगहू स्योंगहू के घर जाती है जहाँ स्योंगहू के पेरेंट्स स्योंगहू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इतना अच्छा खाना देकर स्योंगहू की मॉम अपना ब्रेड बटर तो जैसे भूल ही गई है। फिर स्योंगहू स्योंगहू को हाय बोलने उसके कमरे जाती है और उसे टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है। अब तो स्योंगहू को स्योंगहू का लेटर मिल गया। तुम तो गए स्योंगहू, शावर में भी स्योंगहू पर स्योंगहू के बारे में ही सोच रहा है। स्योंगहू ने तो लेटर पढ़ लिया है। स्योंगहू गुस्से में लेटर फाड़कर फेंक देता है और इस लेटर को मजाक बोलता है, पर दोनों ऑकवर्ड तो हो ही गए हैं। स्योंगहू को ये मजाक नहीं लगता। देन स्योंगहू अपने डैड के रेस्टोरेंट जाती है जो अभी ओपन नहीं है। स्योंगहू याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने फादर के साथ खाना बनाती थी और उसके फादर उसे बहुत ही अप्रिशिएट करते थे। स्योंगहू के फादर भी आ जाते हैं। स्योंगहू के फादर पहले एक बड़े होटल में काम करते थे, फिर उन्होंने अपनी शॉप खोली। पर स्योंगहू के फादर नहीं चाहते कि स्योंगहू एक कुक बने, इसलिए तो उन्होंने स्योंगहू को इतना पढ़ाया लिखाया। ऑफिस में डैन अपने क्लीग को अपना डिपार्टमेंट चेंज करने का बोलता है ताकि वो ज्यादा टाइम अपनी बेटी के साथ बिता सके। घर आकर स्योंगहू यूट्यूब पर अपनी कुकिंग वीडियो देखती है क्योंकि स्योंगहू का भी यूट्यूब पर एक चैनल है। वीडियो में खाना बनाती स्योंगहू बहुत ही खुश है। नेक्स्ट सीन में स्योंगहू ताई हुई और स्योंगहू से मिलती है जहाँ स्योंगहू स्योंगहू को हाय तक नहीं बोलता और बिल्कुल इग्नोर करता है और फिर चला जाता है। स्योंगहू भी बेचारी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ मोयूम बोट चलाना सीख रही है क्योंकि मोयूम साउथ पोल वाले पैरामेडिक रिसर्च सेंटर जाना चाहती है। स्योंगहू भी मोयूम को बताती है कि मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की है। मोयूम को भी यही लगता है कि स्योंगहू कुकिंग के लिए बनी है। इसी बात में मोयूम पार्टी करने जाती है जिसमें वो स्योंगहू को भी इनवाइट करती है, पर स्योंगहू ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है। लगता है आज स्योंगहू मना करने के बाद भी नहीं आएगा। रात को रास्ते में स्योंगहू को डैन मिलता है और डैन उसे अपने घर ले जाता है जहाँ ज्योंडू अपने डैड का वेलकम करती है। ज्योंडू स्योंगहू को भी हेलो बोलती है। डैन देखता है कि स्योंगहू कुछ सैड सैड सा है तो स्योंगहू उसे बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक लड़की को पसंद करता है। उसे लगा कि वो अब तक उस लड़की से मूव ऑन कर गया, पर उस लड़की को दोबारा देखकर अब वो कंफ्यूज है, इसीलिए अब वो इस लड़की को इग्नोर कर रहा है। बेचारा काफी मुश्किल में। उस लड़की की भी शादी होने वाली थी पर अब वो सिंगल है। मोयूम बाहर उनकी सारी बातें सुन रही है। तो अच्छा, इसीलिए स्योंगहू आज पार्टी में नहीं आया। मोयूम तो ये बात स्कूल टाइम से जानती है। डैन तो स्योंगहू के फ्रेंड को यही एडवाइस देता है कि उसे हिम्मत रखकर उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। स्योंगहू के फादर काफी दिनों से घर लेट आ रहे तो स्योंगहू की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है कि आज भी उन्होंने कहीं और जाना है। रास्ते में स्योंगहू की मुलाकात स्योंगहू से होती है कि स्योंगहू उसे सब बताती है कि उसने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन किए। स्योंगहू बिजी बोलकर वहाँ से चल जाता है, पर ये तो अपने ऑफिस में वही सर्च कर रहा है। अरे म्यूंग ने तो इसे देख लिया। स्योंगहू ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर ये तो सुन लो कि म्यूंग को वेस्टर्न कुजीन पसंद है। स्योंगहू तो बहुत मन से अपना फर्स्ट कुकिंग डे अटेंड करती है। रात को स्योंगहू कैफे में अपने पुराने टीममेट से मिलता है कि बाहर उसे स्योंगहू के फादर एक ड्रंक लेडी के साथ दिखते हैं। ये देखकर स्योंगहू को अपना बचपन याद आता है जब उसकी मॉम किसी दूसरे बंदे के साथ थी और उस दिन वो बहुत ही रोया था। स्योंगहू के फादर घर आते हैं और स्योंगहू उनके घर के बाहर ही उनका वेट कर रहा था। अकेले में स्योंगहू उनसे कहता है कि मैंने आज आपको किसी दूसरे औरत के साथ देखा। क्या स्योंगहू के फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? और वो स्योंगहू से ये बात उनकी फैमिली से सीक्रेट रखने को बोलते हैं। इस बात पर अब स्योंगहू क्या ही बोले। नेक्स्ट डे द लेवेंडर गर्ल्स एक साथ मोयूम की मॉम के ऑफिस में बैठी थी। स्योंगहू की मॉम इन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड हर रोज लेट घर आते हैं, तो बाकी लेडीज के अकॉर्डिंग ये बात बहुत ही सीरियस है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि स्योंगहू के फादर का अफेयर चल रहा है। स्योंगहू के फादर ने अपनी शॉप भी काफी दिनों से ओपन नहीं की। अब स्योंगहू की मॉम को शक होता है तो वो घर जाकर बैंक अकाउंट स्लिप्स चेक करती है जिसमें बहुत ही कम पैसे रह चुके हैं। डैन और मोयूम फिर से एक स्टोर पे मिलते हैं और डैन मोयूम को अपने साथ वाली सीट ऑफर करता है। मोयूम को अभी भी सिर्फ ज्योंडो की फिक्र है, पर वो तो किंडरगार्टन कैंप पर गई है। मोयूम चाहती है कि ज्योंडो फिर से उससे बात करे और मोयूम के अकॉर्डिंग डैन एक बहुत ही अच्छा फादर है। उसने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। डैन तो उसकी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, पर मोयूम ऐसा नहीं सोचती। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उसकी मॉम उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करती है क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी जब उसके फादर गुजर गए। मोयूम डैन से ज्योंडो के साथ टाइम स्पेंड करने की परमिशन मांगती है और डैन हाँ बोल देता है। अब मोयूम ज्योंडो की फेवरेट चीजों से उसका दिल दोबारा जीत लेगी। डैन उसे ज्योंडो की सारी फेवरेट चीजें बताता है जैसे गोस्ट, ज़ॉम्बीज और एलियंस। ज्यादा ड्रिंक करने के कारण बोलते बोलते डैन वही बेहोश हो जाता है। मोयूम उसे उसके घर छोड़कर आती है। अरे मतलब फेंक कर, क्या ये ब्लैंकेट मोयूम ने फेंका? स्योंगहू के फादर घर आते हैं और स्योंगहू की मॉम का गुस्सा देखते हैं क्योंकि स्योंगहू के फादर ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देख लेते हैं। तो अब स्योंगहू के फादर इतने दिनों से अपनी शॉप ना खोलने का रीजन बताते हैं। याद है आपको जब दो यूट्यूबर्स स्योंगहू के फादर की शॉप पर खाना खाने आए थे तो उनके खाने में से एक बाल निकला, इसी चक्कर में एक की महंगी वॉच खराब हो जाती है। तो
ये लड़की उनसे इस वॉच के पैसे मांगते हैं। इसलिए बेचारे शुगरू के डैड रात को ड्राइवर के काम पर जाते हैं, जहाँ ड्रंक लोगों को घर छोड़ने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। अच्छा, तो इसलिए शुगरू के फादर उस दिन उस ड्रंक लेडी के साथ थे। शुगरू की मॉम अब गुस्सा और अपसेट है, क्योंकि शुगरू के फादर अब तक ये अकेले ही करते आए। शुगरू के फादर ने तो उन्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि शुगरू की मॉम तो उन्हें पहले से ही निकम्मा समझती है। शुगरू के डैड अपसेट होकर घर से चले जाते हैं और शुगरू उनके पीछे जाती है। शुगरू के फादर के अकॉर्डिंग उन्हें तो फादर ही नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से उनके बच्चे हमेशा पैसों के लिए तरसते रहे। शुगरू कहती है कि मैं भी तो अनएम्प्लॉयड हूँ, फिर तो मुझे भी आपकी बेटी नहीं होना चाहिए। बेचारी शुगरू को बहुत ही बुरा लग रहा है। नेक्स्ट डे शुगरू सोचती है कि अब उन लड़कों को मजा कैसे चखाया जाए, तो वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लॉन्ड्री स्टोर पर जाती है, जहाँ पर लॉन्ड्री स्टोर की ओनर उसे बताते हैं कि सुंगहू ने भी कैमरे चेक किए। अरे, सुंगहू तो इन लड़कों के साथ ही बैठा है और यहाँ वो इन्हें खुद को शुगरू के फादर का बेटा बोलता है। सुंगहू इन्हें इनकी वॉच के बाकी पैसे दे देता है, बट पहले वो उस खराब वॉच को देखना चाहता है। ये तो वही वॉच है जैसी सेम सुंगहू भी पहनता है। अब तो सुंगहू इनकी अच्छे से लस्सी करता है, क्योंकि सुंगहू की वॉच तो असली है बट इन बेशरम लड़कों की वॉच नकली है। अब सुंगहू इन्हें सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ये लड़के अपना ही एक बाल तोड़कर एक लिफाफे में रखते हैं। मतलब वो बाल इनका ही था। वाओ, काफी प्रैक्टिस लगी होगी इन सब में। अरे, इनकी स्टोरी कवर करने तो सुंगहू ने डैन को भी बुलाया। दरअसल कल रात इन दोनों ने इन झूठे लड़कों पर पूरी रिसर्च की, जिसमें ये पता चलता है कि इन लड़कों के तो सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स है और ये छोटे शॉप के ओल्ड ओनर्स को ही टारगेट करते हैं, जिन्हें यूट्यूब वगैरह का पता नहीं होता। अरे, इसका तो हाथ भी ठीक है और ये सब भी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। मतलब ये दोनों गए, पकड़ो इन्हें, ये तो भाग गए। सुंगहू और डैन दोनों से भागा नहीं जा रहा था। एक तो खुद ही चोट खाकर गिर जाता है और दूसरे को शुगरू और सुंगहू मिलकर पकड़ लेते हैं। शुगरू की नाक से तो खून निकलने लगा है और सुंगहू ब्लड रोकने में उसकी हेल्प करता है। डोंग जिन इस लड़के की अच्छे से अकड़ निकालता है। शुगरू के फादर को कॉल आती है कि वो दोनों गंदे लड़के पकड़े गए हैं। शुगरू की मॉम शुगरू के फादर को उनकी वैल्यू बताती है कि उनका बनाया खाना शुगरू की मॉम के लिए कितना जरूरी है, पर शुगरू के फादर तो खुद को निकम्मा समझते हैं और रोने लगते हैं। फिर रोते हुए अपनी वाइफ को हक कर लेते हैं। चलो अब रोना धोना बंद करो, क्योंकि हम तो मरने के बाद भी एक साथ ही रहेंगे, वी आर फैमिली। चलो पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन के बाहर शुगरू सुंगहू से कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा मेरी फैमिली का ध्यान रखते हो, क्योंकि शुगरू की फैमिली तो सुंगहू की भी फैमिली है। तो शुगरू उसे पूछती है कि फिर क्या मैं ही तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ जो तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो। सुंगहू कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें बच्चों जैसी हरकतें छोड़ देनी चाहिए, जैसे मेरी विंडो पर नॉक करना। हमें एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी होगी। क्या शुगरू सुंगहू की बातों से सैड हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो अपना बचपन का फ्रेंड ना खो दे। शुगरू को नींद नहीं आ रही तो वो सुंगहू को उठाने जाती है, पर फिर उसे सुंगहू की बातें याद आ जाती है। अरे, अभी ये क्या करे, सुंगहू का भी मन नहीं लग रहा और उसके पास अभी भी वो लेटर पड़ा है। आज की कुकिंग क्लास में शुगरू ने सुंगहू की फेवरेट डिश बनाई है, तो वो सुंगहू को ये डिश देने उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ी है। तो शुगरू उसे ये डिश देती है। ये सुंगहू की फर्स्ट कोरियन डिश थी जब वो फ्रांस से कोरिया आया था। सुंगहू किसी भी कोरियन डिश को नहीं खाता था, तब शुगरू ने उसे बातों में लाकर पहली बार उसे ये कोरियन डिश खिलाई थी। पर आज सुंगहू फिर से उससे हर्टफुल बातें करता है कि तुम्हारी मेमोरीज मेरे लिए कोई मायने रखती, मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो शुगरू कहती है कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो मैं तो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। सुंगहू कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। बेचारी शुगरू चुप हो जाती है। शुगरू को भी सुंगहू की सारी पहली चीजें याद है, जैसे उसका पहला बनाना शेक, पहली स्विमिंग क्लास, पहली बार उसका शुगरू से लंबा होना और शुगरू का पहला क्रश। पर शुगरू को सुंगहू का पहला क्रश तो पता ही नहीं है। शुगरू भागकर सुंगहू के पीछे जाती है और उसे अपना जूता मारती है। शुगरू से पूछती है कि तुमने जो सब भी कहा उसका क्या मतलब है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।